तो कैसे हो मेरे यारों, मेरे प्यारों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल मैक्सिमम पे। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्रैनी का चैप्टर 2। सो डिफिकल्टी यार हम लोग एक्सट्रीम में रखने वाले हैं। एंड गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं नाइटमेयर में। सो ये है ग्रैनी का वर्जन 1.2। सो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड गाइस हम लोग का डे 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस मैं बहुत ही मतलब प्रैक्टिस किया है मैंने इस एक्सट्रीम मोड का। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस। एंड आई नो गाइस तुम लोग को अच्छा लगेगा ये। एंड गाइस ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है। सो मतलब लास्ट तक देखना तुम लोग। सो अभी यहाँ से हम लोग को स्पेशल, तो हम लोग को यहाँ से स्पेशल की मिल गई है गाइस। एंड ये स्पेशल की लेके यहाँ पे पहले आवाज़ कर रहे थे हम लोग अपने हाथ में ये स्पेशल की, तो नॉट टू वरी अबाउट एनी थिंग। एंड गाइस अगर तुम लोग को थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर मारो यार। ये देखो यहाँ पे आ गए ग्रैंडपा। एंड गाइस ये आ गई अपनी मतलब ग्रैनी। एंड गाइस अंधेरा होने की वजह से मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ मतलब सही से। एंड गाइस यहाँ पे ये स्पेशल की मैं ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि हम लोग को आगे। गाइस ग्रैंडपा ने क्या बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। अगर तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड गाइस यहाँ से हम लोग को मिल गई है पैडलॉक की, जो हम लोग को थोड़ी सी आगे मतलब थोड़ी सी यार डोर स्किप के लिए पैडलॉक की तो यूज़फुल होगी। मैं भी क्या बातें कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे वो पीस ऑफ पेंटिंग गिरा होता है जो हम लोग की कुछ भी काम करने, इसे पैडलॉक यहाँ पे ड्रॉप कर देते। एंड गाइस वो क्रैप्स कितने सारे यहाँ पे यार, क्रैप्स ही बोलते हैं ना इसको, क्रैप्स स्पाइडर व्हाटएवर कुछ भी बोलते हैं, तो जाने दो वो सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं। एंड गाइस काफ़ी काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। एंड गाइस ये यहाँ पे आ गई है मज़ेदार ग्रैनी, मतलब अपनी गेम की हीरोइन ग्रैनी इज गॉन फॉरवर्ड 15 सेकेंड्स। यार गाइस एक्सट्रीम मोड में यही अपना मतलब यही अपना लॉस होता है कि जो अपना एनिमी है 15 सेकेंड्स के लिए मरता है। सो यार एक्सट्रीम मोड में अभी देखते आगे क्या क्या होता है अपने साथ। एंड ये देखो गाइस ये ICU वाला पेशेंट है जिसको हमेशा ICU में रहना होता है, तो हम लोग ग्रैंडपा को तो ICU में पहुंचा देते हैं। एंड गाइस ये डोर भी मैंने ओपन कर दिया। एंड गाइस स्टनगन मेरे हाथ में रखता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑफ एनी टाइप। सो गाइस ये स्टनगन अभी अपन यहाँ पे, गाइस यार अंधेरा देखो यार कितना होता है इसी अंधेरे की वजह से। एंड गाइस वन सेकेंड मैं थोड़ा बेड के नीचे यहाँ पे आके छुप जाता हूँ यार, अभी मेरे को ऐसा लगा कि ग्रैनी अभी आ रही है यहाँ पे। सो इसकी वजह से यार कोई रिस्क नहीं लेना। ये देखो यहाँ पे एक इंसिविंसी स्पाइडर। एंड गाइस यहाँ पे डोर लॉक भी पड़ा है राइट हैंड साइड के कबर्ड में, जो हम लोग को अभी यूज़फुल नहीं है क्योंकि गाइस डोर लॉक जो लास्ट मतलब लॉन्ग लास्टिंग एक्सट्रीम मोड में सिर्फ 8 सेकेंड्स के लिए रहता है, तो यार उसका तो कोई यूज़ है नहीं। एंड गाइस आई थिंक हार्ड मोड में भी उतना। एंड गाइस ये आ गई है ग्रैनी। सो ये ग्रैनी को मैंने स्टन कर दिया यहाँ से। एंड गाइस एक्सट्रीम मतलब नाइटमेयर मोड में ग्रैनी एंड ग्रैंडपा मतलब थोड़े बहुत मतलब ऐसे चेंज हो जाते हैं यार, तुम लोग को क्या लगता है मेरे को बताना कमेंट्स में। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शोर कर दिया, बट गाइस शोर का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ग्रैंडपा को तो शोर सुनाई नहीं देता। ग्रैंडपा को गाइस सिर्फ अपना ये शॉटगन का आवाज़ एंड वास का आवाज़ ही सुनाई देता है, बाकी कुछ ग्रैंडपा को सुनाई नहीं देता। एंड गाइस यार ग्रैंडपा का वेट तो बहुत कर रहा था बट ग्रैंडपा तो आया नहीं, तो हम लोग एक काम करते हैं पहले यहाँ से सीढ़ी चढ़ के अपना जो बाकी का जो रिमेनिंग पेंडिंग काम है वो पहले निपटा देते हैं। जैसे अपने को हैंडविल मिल गया, गाइस ये हैंडल में यहाँ पे ड्रॉप कर, अरे यार वन सेकेंड ये मैं नीचे ड्रॉप करना है मेरे को एक्चुअली। सो ये नीचे मैं हैंडविल ड्रॉप कर देता हूँ एंड स्टनगन लेते अपनी हाथ से एंड चलते। समथिंग इज़ ब्लॉकिंग दिस डोर फ्रॉम अनदर साइड, ओके अदर साइड। एंड गाइस अभी आई थिंक अभी ग्रैनी यहाँ पे आएगी यार, आएगी ऑफकोर्स आएगी क्योंकि मैंने शोर कर दिया ना, तो शोर सुना और ग्रैनी आई नहीं ऐसा हो नहीं सकता। एंड गाइस अभी घंटी बजी नीचे वाले बेबी स्पाइडर की, तो ग्रैनी अभी नीचे जाएगी, तो हम लोग को एक बेनिफिट है कि हम लोग अभी यहाँ से नीचे जा सकते हैं। गाइस थोड़ा सा शोर हो गया बट गाइस इस शोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से पहले मैं मतलब बेडरूम में चलता हूँ क्योंकि ये मेरे को मतलब थोड़ी सी सेफ जगह लगती है गाइस। एंड गाइस अभी ग्रैनी बेबी स्पाइडर वाले रूम में चले गए। एंड गाइस ये देखो क्रैब्स नीचे से जा रहे हैं। एंड गाइस ये पैडलॉक की मैं पहले काम, वन सेकंड ग्रैंडपा गाइस 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 काफ़ी जगह गाइस ग्रैंडपा ने हम लोग को मार दिया है। कोई बात नहीं चलते रहता है। सो हम लोग का डे 2 स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइस चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सट्रीम मोड है यार, एक्सट्रीम मोड थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है तुम लोग को पता है अच्छे से। सो गाइस अगर तुम लोग को लगता है कि मैं ये स्केप पूरा कर सकता हूँ तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस तुम लोग को अगर नहीं लगता कि मैं स्केप पूरा नहीं कर सकता तो गाइस तुम लोग मेरे को कमेंट्स कर देना, ओके। सो यहाँ पे शोर मैं और एक बार करूँगा यार, मैं डरता थोड़ी हूँ ये लोग से, तो जाने दो दूसरी बार किया नहीं मैं, थोड़ा बहुत तो डर लगता है यार क्योंकि एक्सट्रीम मोड है यार, एक्सट्रीम मोड काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड ये देखो यहाँ पे ग्रैनी भी अभी अपनी पहुँच चुकी है, सो कोई टेंशन की बात है नहीं। एंड गाइस वाओ ये पेंटिंग किसकी है, कैसी भी हो डरावनी काफ़ी। एंड गाइस ग्रैंडपा बहुत हंस रहे यार, ग्रैंडपा को हंसी किस बात की आ रही है मेरे को पता नहीं। एंड गाइस अभी अपने को क्रोबार लेना है एंड बहुत सारे काम है अपने को। गाइस अगर ये हार्ड मोड में रहता गाइस तो मैं 10-15 मिनट में ही स्केप कर लेता पूरा, बट तुम लोग को तो पता है कि ये एक्सट्रीम मोड है एंड एक्सट्रीम मोड में टाइम तो लगता ही है,
सो एक काम करता हूँ स्टन गन यहाँ पे थोड़ा सा शोर कर देता हूँ मैं। एंड गाइस लास्ट वाली वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। वन सेकेंड, ये पहले मैं ग्रैनी को ठोक दूँ उसके बाद बात करता हूँ। हाँ गाइस, लास्ट वाली वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, 100+ व्यूज़ उसके भी गए, सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच गाइस। ऐसे सपोर्ट आप लोग आगे भी दिखाते रहना मेरे को। एंड गाइस, इस भी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिखाओगे आप, आई होप। एंड ये देखो, ये मैंने ग्रैंडपा को स्टन किए। एंड गाइस, ग्रैंडपा विदाउट मतलब सिक्योरिटी किक के कितने बकवास लगते हैं ना यार, तुम लोग को क्या लगता है मेरे को कमेंट्स में बताओ। एक काम करता हूँ मैं, ये पहले स्टन गन यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। एंड गाइस, यहाँ से पैडलॉक की सिंपली मैं यहाँ पे नीचे ड्रॉप करके रखता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा आगे यूज़फुल मतलब आगे इजी हो जाए। एंड गाइस, अपने हाथ में ही अभी स्टन गन, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। एंड गाइस, ये देखो यार, पूरा ब्लड ब्लड लग रहा है यार मेरे को, मतलब बहुत गंदा लगता है ये मतलब नाइटमेयर मोड, बट ठीक है, गेम का ही पार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता मेरे को खेलने में। बट गाइस, जैसे पर्सनली अगर तुम लोग मेरे को पूछोगे तो मेरे को पर्सनली नाइटमेयर मोड पसंद नहीं है, बट मैंने इतने दिन से खेला नहीं था तो इसके लिए मैं अभी खेलता रहूँ नाइटमेयर मोड। सो तुम लोग को कौन सा मोड पसंद है? एंड ये देखो, ये मैंने ग्रैनी को स्टन कर दिया फिर एक बार। एंड गाइस, तुम लोग को नाइटमेयर मोड पसंद है कि नॉर्मली खेलना पसंद है, मेरे को कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताओ जाके। एंड गाइस, ग्रैनी इज़ नाउ गॉन फॉर अबाउट 15 सेकंड्स, सो अभी 15 सेकंड्स के लिए हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट गाइस यार, 15 सेकंड्स इनफ नहीं है यार एक्चुअली। एंड ये देखो, आहा यार, तुम लोग ग्रैंडपा यार मस्ती करो, बट किसके साथ करनी चाहिए तुमको पता नहीं, तुम मेरे साथ मस्ती कर रहे हो। मैं तुम्हारे घर से कितनी बार एस्केप कर चुका हूँ यार। गाइस, तुम लोग को पता है मैंने एक्सट्रीम मोड में ग्रैंडपा के घर से मतलब ये चैप्टर 2 वाले हाउस से बहुत बार मतलब बोल नहीं सकता मैं। आई थिंक गाइस, मैंने 2 से 3 बार एस्केप किया हुआ है, 2 बार आई थिंक मैंने किया हुआ है। एंड गाइस, वर्जन 1.8 में भी मैंने एक्सट्रीम मोड में एस्केप किया हुआ है, बट गाइस मैं ग्रैनी 3 में नहीं कर सका क्योंकि ग्रैनी 3 इज़ क्वाइट टफ फॉर मी, सो इसके लिए। एंड गाइस, ये देखो यहाँ पे आ गई है। सो गाइस, तुम लोग को कौन सा गेम पसंद है मेरे को बताओ ना, ग्रैनी 1, 2, 3, 4, 5। एंड गाइस, तुम लोग को कौन सा एस्केप भी पसंद है मेरे को ज़रूर बताओ। एंड गाइस, मेरे को अगर ऐसा तुम लोग पूछोगे तो इस गेम में मेरा हेलीकॉप्टर एस्केप, डोर एस्केप, ये दोनों पसंद है मेरे को। बोट एस्केप इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है। एंड गाइस, बोट एस्केप वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। एंड गाइस, हार्ड मोड में डोर एस्केप थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि वो रेंज वेंज लगता है ना। एंड एक्सट्रीम मोड में तो यार पूछो ही मत, एक्सट्रीम मोड में स्पेशल की एंड ऑल। सो हम लोग ने तो पहले ही स्पेशल की वहाँ पे ड्रॉप कर दिए। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा शोर कर देता हूँ। हाँ गाइस, तो मैं कह रहा था कि हम लोग ने स्पेशल की जो है वो अपनी वहाँ पे ड्रॉप कर ही दी है, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। हम लोग जैसे नीचे जाएंगे यहाँ से इस मतलब क्या बोलते हैं, सो शॉर्टकट जो बाथरूम में सीधा निकलता है, तो हम लोग यहाँ से गाइस मतलब ग्रैनी चैप्टर 1 का एंड 3 का बाथरूम कितना बड़ा है यार। एंड ये यार ये आ गई फिर से। एंड गाइस, ये चैप्टर 2 का बाथरूम कितना छोटा सा है। सो गाइस, तुम लोग को ग्रैनी के घर का कौन सा बाथरूम, सॉरी मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ यार। ये आ गए ग्रैंडपा, हेलो ग्रैंडपा, हाउ आर यू, व्हाट डू यू डू। गाइस, ग्रैंडपा ने कुछ बोलने से पहले मैंने ग्रैंडपा को स्टन कर दिया, तो अभी जाने दो ग्रैंडपा को भाड़ में। हम लोग अभी चलते अपना डोर लॉक उठाते हैं ऐसे। एंड गाइस, देखो ग्रैंडपा की सीसीटीवी कैमरा जो अपने कुछ काम के है नहीं, फालतू कैमराज ग्रैंडपा के जैसे ही फालतू है। एक काम करता हूँ, ये डोर लॉक, सॉरी व्हाट इज दैट, दिस इज द डोर हैंडल। ओके, सो गाइस, ये डोर हैंडल मैंने वहाँ पे मतलब अपने बेड पे ड्रॉप कर दिया है। एंड यहाँ पे स्टन गन से थोड़ा सा शोर कर देते हैं अच्छे से, एकदम मस्त वाला शोर। एंड गाइस, अभी ग्रैनी के आने का ही वेट कर रहा हूँ, बट गाइस ग्रैनी तो अभी तक आई नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं हम लोग, उसमें क्या आ जाता है अपना। सो गाइस, थोड़ा बैकग्राउंड को इग्नोर मारो यार, क्या ओह माय गॉड गाइस, मेरे को ग्रैनी ने भी मारा यार। गाइस यार, ये क्या हो रहा है आपके साथ, कोई भी आ रहा है मार रहा है अपने को, जाने तो अपना डे 3 स्टार्ट हो चुका है, हम लोग भी बदला लेंगे यार काफ़ी अच्छे से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। गाइस, तुम लोग को अभी ये 2 बार मेरे को ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने मतलब एक एक बार मारा है दोनों ने, तो तुम लोग को ये देख के क्या लगता है कि मैं स्किप कर पाऊँगा कि नहीं। अगर तुम लोग को लगता है कि मैं कर पाऊँगा तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर तुम लोग को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। गाइस, तुम लोग दोनों में से कुछ एक करो। एंड गाइस, नेक्स्ट वीडियो तुम लोग को किस पे चाहिए ये मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ गेम प्ले बनाने के लिए। सो गाइस, मेरे को मतलब मेरा सबसे फेवरेट गेम ग्रैनी है, तो मैं ग्रैनी ही खेलता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड गाइस, तुम लोग मेरे को ये भी बताओ कि तुम लोग को ड्राइविंग गेम्स पसंद है नहीं है। एंड गाइस, ग्रैनी हंस क्यों रही यार, यार मैं मेरे सब्सक्राइबर से बात कर रहा हूँ, मेरे फैमिली से, तेरे को कोई प्रॉब्लम है यार? गाइस, ग्रैनी को कोई आपत्ति लगता है यार? गाइस, ग्रैनी इज गेटिंग जेलस ऑफ अस यार, तो ग्रैनी को अभी जाने दो भाड़ में। हम लोग एक काम करते, थोड़ा सा शोर, यार शोर तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो अभी ग्रैनी का आना तो बनता ही है, जायज ही है ग्रैनी का आना, तो अभी ग्रैनी के आने का ही वेट चल रहा है यहाँ पे। तब तक तुम ग्रैनी के घर को देख लो जो तुम लोग रोज़ ही देखते हो। तुम लोग बोलोगे यार एक ही घर बार बार मत दिखा, बट गाइस
जो है अपने पास वही तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं बाकी कुछ दिखा तो नहीं सकता। एंड गाइस ये ड्रॉप शूट शूट ड्रॉप, यार गाइस इतने बार मैंने शोर किया, ग्रैनी का तो कुछ अता पता है ही नहीं। एंड गाइस ये देखो, ये मर के भी 100 साल मतलब जिएगी, इसका मतलब मैंने नाम लिया। एंड गाइस ये आ ही गई। एंड गाइस मेरे को एक ही बात का मतलब बुरा लगता है कि मैंने ग्रैनी को मारने के बाद ग्रैंडपा इमीडिएटली नहीं आते, तो उसकी वजह से अपना इसको मारना वेस्ट हो जाता है। यार ये देखो, ये आ गए ग्रैंडपा। एंड गाइस ग्रैंडपा को भी अपने हमने अच्छे से स्टन कर दिया। एंड ग्रैंडपा इज ऑल्सो नाउ गॉन फॉर 15 सेकेंड्स। एंड गाइस ये देखो, ये अपना क्रोबार है, बट मैं ये लू कैसा है मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, तो छोड़ो जाने दो उसको। गाइस एक काम करता हूँ, ये हाँ गाइस मैं एक काम, यार मेरे को 1 सेकेंड, मैं यहाँ बेड के नीचे छुपता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी आ रही है। ओह माय गॉड गाइस, बच गया मैं, बहुत अच्छे से बच गया। नहीं तो यार गाइस अगर मैं वहाँ पर रहता तो ग्रैनी डेफिनेटली 1000% मेरे को मार देते एंड अपना और एक डे वेस्ट हो जाता। सो अभी कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि वी आर सेफ नाउ। एंड गाइस अभी यहाँ पे शोर तो हो गया है, तो अभी ग्रैनी डेफिनेटली अभी यहाँ पे आएगी, तो उसको जाने दो, अभी ग्रैनी को जाने देते हम लोग। एक काम करते हैं, ग्रैनी को मैं पहले स्टन कर देता हूँ, क्योंकि यार गाइस ग्रैनी को मतलब ग्रैनी को मारा नहीं तो मतलब मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा यार। एंड गाइस ग्रैनी को मार दिया, ग्रैनी गाइस देखो 15 सेकंड्स के लिए जाएगी, मतलब 10 सेकंड्स के बाद ग्रैंडपा आएंगे, तो यार मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग का मतलब टाइम बहुत वेस्ट होता है इस एक्सट्रीम मोड में। इसके लिए गाइस एक्सट्रीम मोड मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब इस्केप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस्केप करने के लिए। एंड गाइस ग्रैंडपा को कॉफ़ी भी, गाइस ग्रैंडपा ने क्या बोला मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कुछ। तुम लोग को अगर ग्रैंडपा की लैंग्वेज समझ में आ रही है ग्रैंडपा की लैंग्वेज और ग्रैंडपा का एक्सेंट, सो मेरे को कमेंट्स में बताना एक बार ज़रूर। एंड गाइस एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ से ग्रैनी आती है या नहीं। एंड गाइस यहाँ पे बेड पे एक पीस ऑफ पिक्चर पड़ा हुआ है। एंड गाइस मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि ग्रैनी के घर में मतलब चैप्टर 2 वाले हाउस में कितने बेड्स कितने बेडरूम्स है, तो तुम लोग को अगर पता है तुम लोग ने गिना हो तो मेरे को बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। तो एक काम करते हैं, मतलब यार ग्रैनी को स्टन कर दिया, काम बचा ही क्या है, अभी सिर्फ ग्रैंडपा को स्टन करना है। तो एक काम करता हूँ, अभी ग्रैंडपा के आने का वेट ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यार ग्रैंडपा तो आए नहीं अभी तक, यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ। एंड गाइस देखो ये आ गए, गाइस मैं इसके हाथ पे स्टन गन मारू क्या? ये गाइस मैंने हाथ पे स्टन मतलब स्टन कर दिया ग्रैंडपा को। ओके गाइस मैंने ग्रैंडपा को यहाँ पे स्टन कर दिया। एंड गाइस अभी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि अभी ग्रैनी आएगी अभी यहाँ पे, क्योंकि गाइस 15 सेकंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यार 15 सेकंड्स मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन वाली बात है क्योंकि एक्सट्रीम मोड में यार 15 सेकंड्स में गाइस मतलब मैगी बनने को भी 2 मिनट्स लगते हैं एंड ये लोग सिर्फ 15 सेकंड्स में रिस्पॉन्ड हो रहे हैं, यार ये तो बहुत ही गलत बात है। तो वो सब जाने दो, वो लोग को हम लोग छोड़ देते हैं। तो अभी मैं ग्रैनी का वेट कर रहा हूँ, यार फिर एक बार स्टनगन यार मैं तोड़ दूँ क्या? यार गाइस ग्रैनी गई है नीचे गई आई थिंक, क्योंकि अभी मेरे को आवाज़ आया हो गाइस। हाँ गाइस अभी ग्रैनी जो है वो बेबी स्पाइडर को खाना खिलाने के लिए चली गई है। ओके गाइस तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है हम लोग। गाइस ग्रैनी हंस क्यों रही है ज़ोर ज़ोर से, मेरे को कुछ बात समझ में नहीं आ रही। गाइस आई थिंक ग्रैनी इज़ लाफिंग ऑन मी। तो अभी ग्रैनी को करते हैं इग्नोर, यहाँ पे मैंने स्टन गन का मतलब ड्रॉप कर दिया है तो आवाज़ तो हो गया, तो अभी ग्रैनी यहाँ पे आती होगी तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यार अभी ग्रैनी को ऐसा धोता हूँ ना मैं स्टन गन से, तो अभी धो दूंगा, अभी मैं ग्रैनी को तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा पटक दूंगा 2.5 किलो की स्टन गन से। सो गाइस यार ग्रैनी कभी आएगी? यार मैं बहुत बोर हो चुका हूँ अभी ग्रैनी की वजह से। गाइस एक्सट्रीम मोड बहुत अच्छा लगता है मेरे को वैसे खेलने में, बट गाइस एक्सट्रीम मोड टफ भी है बहुत ज़्यादा। तो ये ग्रैनी हो गई स्टन। गाइस ग्रैनी का डांस बहुत मस्त है, और गाइस तुम लोग को ग्रैनी का डांस कैसे लगता है मेरे को कमेंट्स में जाके एक बार ज़रूर बताना। एंड ये आ गया ग्रैनी का हीरो, ग्रैनी का बॉयफ्रेंड, सॉरी ही इज़ नॉट अ बॉयफ्रेंड ऑफ ग्रैनी, एक्चुअली ही इज़ अ हस्बैंड ऑफ ग्रैनी। ओके सो गाइस ग्रैंडपा की वाइफ कौन है? एविल डन की ग्रैनी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। एंड गाइस तुम लोग बताओ कि यार तुम लोग क्या बताओगे? अभी एक काम करता हूँ मैं पहले स्टन गन रिलोड कर लेता हूँ अपनी, ताकि हम लोग को आगे थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो यार अभी स्टन गन रिलोड करके हम लोग चलते हैं ये वाली साइड में, एंड अपना क्रोबार भी जो है वो यहाँ पे ही पड़ा है। तो एक काम करता हूँ मैं पहले बाहर आ जाता हूँ। एंड गाइस ये स्टन गन यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। एंड गाइस अभी ग्रैनी तो 100% यहाँ पे आएगी। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, गाइस ग्रैनी आई नहीं, मैं इतने काउंटिंग कर रहा हूँ। एंड गाइस ये आ गई ग्रैनी। हेलो ग्रैनी, हेलो हेलो। यार ग्रैनी ये कौन से टाइप का डांस है मेरे को बताओ एक बार ज़रूर, क्योंकि यार मेरे को भी करना है ये डांस। गाइस ग्रैनी तो कुछ भूलती नहीं मेरे साथ गाइस, क्योंकि यार ग्रैनी ने मेरे साथ कटी। अरे यार तुम क्या देख रहे हो यार मेरे को, आईसीयू कर रहे हो बार बार कुछ भी। यार ग्रैंडपा मतलब कुछ भी,
सो गाइज इस स्टनगन में गाइज मेरे को मतलब ना, मैं तुम लोग को हॉनेस्टली बताऊँ, मेरे को इस वाले रूम में एंड इस वाले बेडरूम में, मतलब तुम लोग मेरे को पूछो कि किस सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस तुम लोग मतलब तेरे को ग्रैनी में कौन सी लगती है, तो मैं यही प्लेस बोलूँगा, क्योंकि गाइज ये दिस इज़ द एक्चुअली सेफेस्ट प्लेस ऑफ ग्रैनी। ओके सो एक काम करता हूँ, ये डोर हैंडल यहाँ पर ड्रॉप, यार 1 सेकंड आवाज़ हो गया यार, ये स्टनगन तो है अपने पास, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। तो अभी ये ग्रैनी को फिर एक बार स्टन कर देते हैं, मतलब आवाज़ तो हो गई है ऑलरेडी ना। तो गाइस मैं कवर्ड में छुप भी सकता हूँ, पर मेरे को अभी छुपता नहीं है कहाँ पे भी, क्योंकि अभी मैं डट कर सामना करने वाला हूँ। एंड गाइस ये आ गई अपनी ग्रैनी, एंड गाइस मैंने ग्रैनी को स्टन कर दिया है पूरा का पूरा। नाउ ग्रैनी इज़ नाउ गॉन फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स। तो गाइस अभी अपन ने ग्रैनी को मार दिया, एंड गाइस अभी ग्रैंडपा के आने का वेट करते हैं। एंड गाइस ये आ गए अपने ग्रैंडपा, एंड गाइस लिटरली आई एम सेइंग अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। एंड गाइस ये अपना क्रोबार लेते हैं, एंड गाइस चलते हैं, पहले एक काम करते हैं और डब्बा पहले खोल, नहीं एक काम करता हूँ, मैं डब्बा तो खोलूँगा नहीं, ये पहले अपनी स्टनगन उठाऊँगा ऐसे यार, क्योंकि ये स्टनगन है तो एक्सट्रीम मोड में मतलब मैं टिक के मतलब रह सकता हूँ अच्छे से। अगर गाइस स्टनगन नहीं रहेगी ना, आई स्वेयर गाइस अब तक ये लोग ने मेरे को मार दिया होता, मतलब मार तो रहे मेरे को ये लोग, बट गाइस तुम लोग को पता है बिकॉज ऑफ स्टनगन मैं अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो यार विदाउट गाइस यू डबल बेड यार। ग्रैनी के घर पे बहुत सारा खर्चा किया है ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने, पैसे बहुत है ये लोग के पास, छुपा के रखे ये लोग ने। एंड ये मैंने मार दिया ग्रैनी को, मतलब स्टन कर दिया, मारा नहीं है, अगर मारा होता तो गाइस वैसे भी भूत मरते थोड़ी है, एंड ये है भी एक भूत, तो भूत तो आ गया, अभी भूत नहीं आ गई, अभी भूत की राह देख रहा हूँ, बट ग्रैंडपा को मतलब आना नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो आईसीयू, यार तू आईसीयू वाला ही पेशेंट है मेरे को ऐसा लगता है। एंड गाइस ये मैंने मार दिया अभी ग्रैंडपा को अपने, एंड यार मेरी एमो, हाँ ये यहाँ पे है मेरी एमो, तो यार अभी मेरे को चाहिए क्रोबार, बट अभी क्रोबार के लिए मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो उसके पहले मैं काम करता हूँ, ये हैंडविल जो है ये यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ ईजिली। गाइस आवाज़ नहीं हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अभी करते हैं थोड़ा सा ग्रैनी का वेट आने का। एंड गाइस ये डोर देखो, मतलब गाइस तुम लोग को ये ग्रैनी का फ्लोर, मतलब ग्रैनी के फ्लोर्स कैसे लगे? ये गाइस वुडन फ्लोर्स है एक्चुअली, नीचे 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 आई थिंक वुड नहीं है, नीचे कुछ अलग ही टेक्सचर है जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, टाइल्स का। तो सब जाने दो गाइस, मैं ग्रैनी के घर को मतलब अच्छे से देखता हूँ काफ़ी, तो उसको जाने दो, अभी हम लोग कुछ देखते नहीं। ग्रैनी को तो मार दिया अभी अपन लोग ने, अभी ग्रैंडपा की बारी। ओके ग्रैंडपा कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? ये बात, ये गाइस आ गए अपने ग्रैंडपा। एंड गाइस अभी 15 सेकंड्स हो गए, अभी ग्रैनी भी चली, मतलब ग्रैनी भी अभी ज़िंदा हुई होगी। यार ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब गंदा वाला स्कैम हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा। एंड गाइस एक काम करता हूँ मैं, पहले गाइस एक सेकंड, मैं पहले ग्रैनी को मार दूँ क्या फिर से? मेरे को मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा गाइस, कसम से। गाइस तुम लोग ने मतलब तुम लोग में से कितने लोगों ने एक्सट्रीम मोड क्लियर किया है मेरे को कमेंट्स में बताओ। एंड गाइस तुम लोग को कौन से मोड में खेलना पसंद है ये भी मेरे को एक बार प्लीज़ कमेंट्स में बताना। एंड गाइज अगर तुम लोग को एक्सट्रीम मोड पसंद है तो भी मेरे को बताना, तुम लोग को क्या पसंद है मेरे को ज़रूर बताना। यार तुम लोग को गेम्स कौन से पसंद है ये मेरे को बताओ, तो उस हिसाब से मैं खेल सकूँ तुम लोग के लिए। ओके गाइज तो एक रोबर से हम लोग यार एक काम करता हूँ, ये कटिंग प्लायर्स में पहले यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। एंड गाइज अभी एक काम करता हूँ, मैंने ग्रैनी को मार दिया ना, तो ग्रैंडपा भी वहाँ पे जाते ही होंगे, तो अभी एक काम करता हूँ, पहले ग्रैंडपा मतलब हाँ गाइज अभी ग्रैंडपा जो है वो अंदर चले गए। एक काम करता हूँ पहले ये स्टनगन जो है अपनी वो मैं उठा लेता हूँ, एंड अभी चलते हैं अंदर। एंड गाइज मिशन अकम्प्लिश्ड। गाइज ये ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम लोग को सच्ची में समझ में आ रहा है तो मेरे को कसम से मेरे को कमेंट्स में बताओ, मेरे को कुछ भी है ग्रैंडपा की लैंग्वेज, ग्रैंडपा का एक्सेंट, ये मेरे को कुछ भी घंटा समझ में नहीं आता। तो ये हम लोग इस पार से उस पार से इस पार आ गए हैं। ओके गाइज एक ग्रैनी को मैंने उठा लिया रे बाबा। एंड गाइस ये मेरा कटिंग प्लायर्स है रे बाबा। सो गाइस ये कटिंग प्लायर्स में पहले एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। एंड जो अपनी काम की चीज़ें क्रोबार यहीं पे पड़ा है, कुछ मतलब दूर नहीं है ज़्यादा, तो एक क्रोबार लेके अभी अपन चलते हैं। 1 सेकंड यार शोर हो गया यार, अभी शोर हुआ है तो ग्रैनी का आना तो बनता है यहाँ पे, जब ग्रैनी यहाँ पे आती होगी। सो ये रही अपनी ग्रैनी, एंड गाइस मैंने कर दिया ग्रैनी को स्टन। एंड गाइस अभी ग्रैनी को जाने दो भाड़ में, मतलब भाड़ में नहीं मतलब गिरने दो उसको। ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉर 15 सेकंड्स। यार घंटी बजी, ग्रैनी को नीचे जाने चाहिए, ग्रैनी ऊपर मर रही है मेरे पास आके। व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विथ यू ग्रैनी? सो अभी यार मैंने ग्रैनी को भी स्टन कर दिया। एंड अपना मतलब ये कटिंग प्लायर्स हम लोग थोड़ा सा आगे तक ड्रॉप तो कर देते हैं, क्योंकि मेरे को पता है मैं इतना भी अच्छा नहीं खेलता एक्सट्रीम मोड में। सो अपना कटिंग प्लायर्स एंड अपनी स्टन गन के एमओ जो भी है सब मतलब पास पास में ही है, सो
इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी गाइस, यू नो दैट। ओके एक काम करता हूँ यार, ये क्रोबार में ये साइड से उठा नहीं सकता क्या यार? मेरे को उस पार ही जाना पड़ेगा। एंड गाइस, ग्रैंडपा एंड ग्रैनी का ये पर्सनल बेड लग रहा है मेरे को, इस बेड का टेक्सचर देखिए क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट गाइस एक्सट्रीम मोड में यार मतलब पूरा खून खून है। सो एक्सट्रीम मोड गाइस, जिन लोगों का दिल कमज़ोर है उनके लिए रिकमेंड नहीं है, हाईली रिकमेंडेड नहीं, मतलब नहीं किया वो लोग के लिए। सो प्लीज़ तुम लोग को अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम है दिल का या कुछ, तो तुम लोग एक्सट्रीम मोड मत खेलना, क्योंकि एक्सट्रीम मोड एक्चुअली मतलब काफ़ी डरावना है सीरियसली। एंड गाइस, मैंने आज तक जितने भी हॉरर गेम्स खेले उसमें मेरा यार ये मेरे को बोलने भी नहीं देते यार तुम लोग, मतलब क्या चालू है तुम लोग का। सो हाँ गाइस, मैं यही कह रहा था कि वन सेकेंड, ये मैं पहले वायर कट कर दूँ एंड अपनी स्टन गन में पहले उठा लेता हूँ यहाँ से। हाँ गाइस, तो एक्चुअली मैं यही कह रहा था कि जो मतलब मैंने इतने सारे हॉरर गेम्स खेले, बट गाइस मेरे को सीरियसली अगर तुम लोग मेरे को पूछोगे ना, तो मेरे को ग्रैनी गेम ही मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गाइस उसकी थीम, उसके टेक्सचर्स एंड देन उसके ग्राफिक्स एंड एनिमीज कंट्रोल्स, एवरीथिंग इज़ यू नो 10 out of 10। तो इसके लिए गाइस मेरे को ग्रैनी गेम ज़्यादा पसंद है। एंड गाइस मेरे को वैसे एविल नन भी अच्छा लगता है, वैसे गेम एविल नन भी काफ़ी अच्छा गेम है, बट मैं प्रेफर करूँगा अगर तुम लोग मेरे को पूछोगे ग्रैनी या एविल नन, तो मैं तुम लोग को प्रेफर करूँगा कि एविल नन। एंड गाइस बाय द वे, मैंने पहले भी मतलब ड्राइविंग के गेम्स खेले हैं, जैसे कि रियल ड्राइविंग सिम, IDBS बस सिमुलेटर एंड मच मोर, बस सिमुलेटर इंडोनेशिया। सो गाइस वो वीडियोस भी तुम लोग देखना, अगर तुम लोग को अच्छे लगे तो वो भी लाइक कर देना गाइस। एंड गाइस ये देखो ग्रैनी यहाँ पे आ गई है। एंड गाइस वीडियो को शेयर ज़रूर करना मेरी, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी तो, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ओके गाइस, हम लोग अभी आ गए हैं नीचे। एक काम करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे स्पेशल की लेके चलते एंड ये जो एक्स्ट्रा लॉक जो है वो पहले ओपन करते हैं। एंड ग्रैंडपा का वाज भी वहीं पे पड़ा हुआ था, तो ये देखो गाइस ये पूरा खून से लथपथ घर है ग्रैनी का। एंड गाइस ये देखो ये शावर एरिया कितना छोटा, मतलब गाइस ग्रैंडपा हंस रहे थे अभी ज़ोर ज़ोर से। गाइस एक्चुअली मेरे को यही कहना है कि मतलब ये चैप्टर टू का जो हाउस है ना, उसका शावर एरिया तो जाने दो, शावर एरिया नॉर्मली इतना होता ही है, बट जो बाथरूम है ना ग्रैनी का, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है मेरे को इस घर का। एंड गाइस मैंने शोर किया था एंड ग्रैनी आई नहीं यार, ये क्या हो रहा है यार, ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ। सो गाइस अभी ग्रैनी अभी यहाँ पे आएगी, कन्फर्म 100% आएगी। एंड गाइस ये आ गई अपनी ग्रैनी। एंड गाइस ये मैंने ग्रैनी को कर दिया स्टन। एंड नाउ लेट्स वेट फॉर ग्रैंडपा। ग्रैनी इज नाउ गॉन फॉरवर्ड 15 seconds। एंड गाइस ग्रैंडपा है कहाँ पे? ग्रैंडपा कहाँ पे? और जल्दी आओ, कल सुबह मेरे को पनवेल निकलना रे बाबा। एंड गाइस ग्रैंडपा तो आया नहीं है। 1 second, ये आ गए ग्रैंडपा। गाइस 1 second, ग्रैंडपा अगर सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे तो यहाँ पे नीचे क्यों आए यार? बराबर, मैंने ग्रैनी को मारा तो ग्रैंडपा को आई थिंक मेरे पे गुस्सा आ गया लगता है। सो अभी जाने दो ग्रैनी, ग्रैंडपा दोनों को जाने दो पहाड़ में। हम लोग एक काम करते हैं, मैं पहले यहाँ पे छुप जाता हूँ। एंड ये अपना हैंडविल पड़ा है यहाँ पे, एंड पैडलॉक के एंड डोर हैंडल भी है यहाँ पे। एंड गाइस कितना गंदा लग रहा है देखो, ये ग्रैनी ग्रैंडपा का मतलब शावर एरिया का डोर। तो ये मैंने डोर अभी ओपन कर दिया यार, यहाँ पे शोर करते हैं एंड चलते ये साइड में छुपने को, क्योंकि यार अभी शोर सुन के ग्रैनी यहाँ पे आ गई है। ओके फाइनली गाइस ग्रैनी इज हियर राइट नाउ। एंड गाइस ये देखो गाइस ये क्या चमक रहा है राइट हैंड। अच्छा वो पीस ऑफ पिक्चर है जो ऊपर हेलीकॉप्टर एस्केप के लिए यूजफुल हुआ। एंड गाइस ये देखो ना, मतलब ये कारपेट कितना प्यारा लग रहा है। अगर गाइस तुम लोग को ये कारपेट कैसे लग रहा है मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड गाइस ये देखो ये आ गए अपने प्यारे से ग्रैंडपा। एंड गाइस ये ने मेरे ग्रैंडपा को फिर एक बार स्टन कर दिया। एंड अभी ग्रैनी जो है वो रिस्पॉन होती ही होगी, 15 सेकंड्स के लिए गई थी। सो आई थिंक 15 सेकंड्स ग्रैनी की जो है वो पूरे हो चुके हैं। एंड गाइस ये क्रोबार से मैंने प्लैंक्स भी जोड़ दिए एंड घंटी बजी बहुत जोर से। एंड गाइस आई थिंक अभी ग्रैनी मेरे पीछे ही है, क्योंकि मेरे को उसके फुटस्टेप्स की आवाज़। एंड गाइस हाँ गाइस मैं सही हूँ, ग्रैनी जो है वो मेरे पीछे ही। एंड गाइस ये आ गई ग्रैनी। एंड गाइस ये मेरे ग्रैनी को स्टन कर दिया। यार मैं अभी प्रो प्लेयर के जैसा खेलने लगा अभी धीरे धीरे, क्योंकि यार गाइस एक्चुअली मेरे को ग्रैनी के जो फुटस्टेप्स है ना वो आए थे मतलब मेरे को अच्छे से, क्योंकि मैं हेडफोन्स लगा के खेल रहा था, तो मेरे को सही से मतलब सुनने को आ रहा है। ओके सो इसके लिए यार, तो अभी ग्रैनी ने मतलब अभी ग्रैनी तो जाएगी, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी मेरे को लगता नहीं कि ग्रैंडपा अभी जल्दी आएंगे। सो अभी थोड़ा चिलैक्स। ओके सो अभी ये स्टन गन यार मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ओके वन सेकंड यार, गाइस यार कितनी बार मारेंगे यार मेरे को, कितनी बार मारेंगे। सो हम लोग का डे 4 जो स्टार्ट हो चुका है। सो अभी चलते हम लोग फिर एक बार ग्रैनी के घर में हमला बोलने के लिए। सो गाइस अभी हम लोग को हमला बोलना है काफ़ी अच्छे से, तलवार बिलवार यार तलवार नहीं यार अपने पास, तो ग्रैनी के घर में मतलब चैप्टर 2 में स्टन गन ही है ना अपने पास सिर्फ। एंड गाइस शॉटगन जो है, बट
शॉटगन का मतलब वो क्या बोलते हैं, शॉटगन की कहाँ पे, शॉटगन की नो, इट्स वेपन की आई थिंक, या उसको वेपन की बोलते हैं, वेपन की है क्या एक्चुअली ये मेरे को पता नहीं। सो जाने दो वो सब। तो एक काम करते हैं, ग्रैनियन ग्रैंड पर यहाँ पे चले गए तो हम लोग ऊपर चलते पहले। एंड गाइज एक सेकेंड, ये मैं काम करता हूँ पहले, ये रेंट से ये एक्स्ट्रा लॉक जो है वो खोल देता हूँ पहले। सो ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ग्रैंड पा जरा धीरे धीरे। एंड गाइज ग्रैनी हंस रही है, ग्रैंड पा को कुछ आलस विलस आया ऐसा लग रहा है मेरे को। ये देखो पीस ऑफ पिक्चर, यूजलेस पीस ऑफ पिक्चर एक्चुअली दिस इज। एंड गाइज ये स्टनगन है अपने पास, स्टनगन का पूरे पूर उपयोग हम लोग यहाँ पे। गाइज वाओ कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो यार यहाँ पे अपने को कुछ शॉटगन के पार्ट्स वार्ट्स कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ स्टनगन उठाई मार दिया, स्टनगन उठाई मार दिया, ग्रैनी को मार दिया। ग्रैंडपा कहाँ पे यार, ग्रैंडपा अरे यार आओ, मेरे को स्किप करना है, मेरे को घर से निकलने का है। तुम्हारे तुम्हारे इस घर में कार तो है नहीं। ओके हाँ यस आई एम हियर। बट गाइस तुम लोग ने एक चीज़ नोटिस की, ग्रैनी के घर में कार है, ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, उसके बाद बोट है। मतलब यार कितनी लाविश लाइफ है ग्रैनी की। ग्रैनी की इतनी लाविश लाइफ होने के बाद भी हमारे जैसे बच्चों को वो लोग किडनैप करके रखते हैं, ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। यार पाप लगेगा तुम दोनों को हमारे जैसे बच्चों को किडनैप करते। और तुम लोग गाइस जाने दो जोक्स पार्ट, अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं गेम पे। गाइस आई नो ये वीडियो थोड़ा बड़ा है बट मज़ा आएगा यार तुम लोग को, क्योंकि हर टाइम मैं ग्रैनी एंड ग्रैंडपा की पिटाई करता हूँ। सो अभी ग्रैनी जो है वहाँ पे चली गई है। सो अभी एक काम करता हूँ, स्टन कर देता हूँ। एंड यार स्टन कर देता हूँ बोला, एंड वैसे मतलब मैंने पहले ही कर दिया। एंड अभी यार ग्रैंडपा के आने का ही वेट चल रहा है यहाँ पे, बट ग्रैंडपा है कहाँ पे एग्जैक्टली आई रियली डोंट नो। अभी ग्रैंडपा का वेट काफ़ी देर से, एंड गाइस ये देखो वेट कर ही रहा था मैं, मैंने बोला एंड गाइस ये देखो यहाँ पे आ ही गए। एंड अगर तुम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड आ रहा है तो बैकग्राउंड साउंड को यार इग्नोर मारो, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास गाइस अच्छा माइक नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। सो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ मेरे वॉइस। सो सॉरी गाइस अगर तुम लोग को बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है तो, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड ये देखो ग्रैंडपा यार मेरे को साष्टांग दंडवत दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ पता नहीं। एंड गाइस घंटी बजी अभी ग्रैनी जाएगी वहाँ पे, तो ग्रैनी वहाँ पे जाने से पहले मैं ग्रैनी को बुला लेता हूँ यहाँ पे, एंड छुपता हूँ पहले यहाँ पे। एक काम करता हूँ अभी ग्रैनी, तो यार ग्रैनी आई क्यों नहीं। हेलो ग्रैनी, हेलो 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 हेलो, वेयर आर यू, कैन यू हेयर मी, कैन यू हेयर मी। यार सिर्फ डोर, हाँ ये आ गई ग्रैनी। एंड गाइस जिम ने कर दिया ग्रैनी को स्टन। यार वाह मतलब कितनी मस्त है यार स्टनगन, मेरे को बहुत पसंद है स्टनगन। यार मेरे को गाइज इजी मोड भी खेलना पसंद है, पर गाइज मैं हार्ड मोड ही ज़्यादा से ज़्यादा खेलता हूँ। यार ग्रैंडपा 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 व्हाट इज़ दिस यार, मेरे को तुम बोलने तो दो यार, मैं बोलने मतलब मैं कुछ बताने जाता हूँ सबको यार, उसके बीच में तुम लोग आ जाते हो यार, क्या बोलने का। सो उससे पहले मतलब उससे पहले उसके बाद तो हम लोग ने पैडलॉक की से पैडलॉक भी ओपन कर दिया है। सो गाइज हम लोग का 70% गेम जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो 70% हाँ 70% हम लोग अभी बोल सकते हैं, क्योंकि गाइज अभी हम लोग को सिर्फ दो तीन ही काम है ना। आई थिंक अभी क्रोबार से मैंने वो ओपन भी कर दिया, रेंज से भी एक्स्ट्रा लॉक जो था एक ओपन कर दिया, एक्स्ट्रा लॉक जो था। एंड ये देखो ये आ गई ग्रैनी। सो अपने को अभी सिर्फ डोर हैंडल लगाना है, हैंडविल घुमाना है एंड चलना है, यहाँ से स्केप कर लेंगे हम लोग। बट गाइज ग्रैनी चैप्टर टू में ग्रैनी मतलब हम लोग डोर स्किप करते तभी हम लोग को ग्रैनी की जो चैप्टर वन वाली कार है वो दिखाई। ये ग्रैनी यहाँ पे क्या कर रही है यार। हाँ तो मैं कह रहा था कि चैप्टर वन वाली कार हम लोग को दिखाई देती है, तो वो ग्रैंडपा वेट अ मोमेंट यार मैं इनसे बात कर रहा हूँ यार, तुमको समझ में नहीं आता क्या मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ तो मैं ये कह रहा था ये डोर हैंडल पहले ड्रॉप करता हूँ पहले यहाँ पे। हाँ सो गाइज मैं ये कह रहा था कि मतलब चैप्टर टू में कार स्केप क्यों नहीं है, क्योंकि यार गाइज चैप्टर टू में हेलीकॉप्टर है एंड बोट है। एंड ये ग्रैनी यार तुम भी ग्रैंडपा के जैसा हरकत करने लगी। यार ग्रैनी अगर तुम भी ग्रैंडपा के जैसा एक्ट करोगी तो मतलब इस घर में कोई तो मैच्योर्ड इंसान चाहिए कि नहीं यार। सो गाइस मतलब मैंने ये लोग को कितना भी समझाया तो ये लोग की अकल घुटने में ही है दोनों की, ग्रैनी एंड ग्रैंडपा की, क्योंकि हर टाइम यार मेरे को मतलब बहुत सताते रहते हैं यार। मैं परेशान हो गया यार ये लोग से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया ये लोग से। एक काम करता हूँ मैं पहले यहाँ पे, यार मेरे को ये शोर कर करके मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। एंड गाइस ये देखो मेरे को ये लोग ने पूरा मतलब लंगड़ा कर दिया, मतलब आई एम नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। सो तुम लोग समझ सकते हो कि मेरे को कितनी ज़ोरों से मारा है यार ये लोग ने। अभी क्या बोलने का ग्रैनी ग्रैंडपा को, उम्र में बड़े हैं मुझसे तो मैं उनको पूरी तरह से मार नहीं सकता, बट स्टन तो कर सकता हूँ यार। तो अभी यार दोनों को फिर एक बार स्टन करने की बारी आ गई है, बट आवाज़ मतलब शोर तो कर दिया यार, बट ये लोग आने का नाम ही नहीं ले रहे। सो ग्रैनी ग्रैंडपा प्लीज़ कम एंड मेरा स्टनगन का थोड़ा सा मार तो खा लो यार। आई सी यू गाइस, ग्रैनी ने पोपट कर दिया अभी मेरा।
क्योंकि इतनी देर से मैं ग्रानी की यहाँ पे राह देख रहा था, बट आई नहीं यार वो। तो गाइस फिर एक बार मैंने शोर कर दिया यार, शोर करना बनता है यार। एंड ये आ गई अपनी ग्रानी। वेयर आर यू? एक्सक्यूज मी ग्रानी, वेयर आर यू? आई एम वेटिंग फॉर यू। यार गाइस ये देखो मेरे साथ स्कैम हो गया है। एंड ये स्कैम यार ग्रानी का हमेशा का ही है, ये हमेशा मेरे साथ ऐसे स्कैम्स करती है। गाइस तुम लोग को स्टनगन का कलर कैसा लगा मेरे को बताओ, ब्लैक एंड येलो? ओके हाँ, अभी फाइनली ग्रानी यहाँ पे आ गया। एंड गाइस ये मैंने भर दिया ग्रानी को, चल हट चुम्मा आईला, तू मेरे ना आदमी लगेगा। एंड गाइस ग्रैंडपा आई थिंक नीचे गए थे, बेबी स्पाइडर नहीं ऑक्टोपस को कुछ खिलाने पिलाने, सो अभी वो सब जाने दो। अब एक काम करते गाइस, अभी ग्रैंडपा के आने का वाट बकते हैं, इंतज़ार करते हैं अभी। यार ग्रैंडपा आई ऑल्सो सी यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से। ये देखो गाइस ग्रैंडपा आधे इधर आधे उधर। एंड गाइस अभी गेम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया हम लोग का, क्योंकि हम लोग को सिर्फ हैंड व्हील एंड डोर व्हील का ही वो क्या डोर हैंडल बोलते हैं ना उसको। एंड गाइस ये देखो एक ग्रानी यहाँ पे आ गई है, बट मतलब उसने सिर्फ डोर ही ओपन किया था। एंड मेरे को पता था अच्छे से कि ग्रानी यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आएगी, तो इसके लिए मैं मतलब यू नो आई एम प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग गाइस। सो मैंने खुद की झूठी तारीफ बहुत कर ली। तुम लोग को गाइस वीडियो कैसी लग रही है मेरे को बताना। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट कर देना एंड शेयर इफ इट्स पॉसिबल। एंड गाइस डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। एंड ये स्टन गन से मैंने ग्रानी को स्टन कर दिया। एंड गाइस ग्रानी इज नॉट गॉन फॉर 15 seconds। एंड गाइस नाउ आई एम eagerly वेटिंग फॉर ग्रैंडपा। एंड गाइस ग्रैंडपा जो है वो कहाँ पे है? ICU, फिर से ICU। यार परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारे ICU से। एंड गाइस आई थिंक CCTV कैमराज वैमरा सब कुछ चालू है। एंड गाइस मेरे को अच्छे से पता है, मतलब गाइस तुम लोग सोचते होंगे कि मैं इतना डर डर के क्यों खेल रहा हूँ। गाइस मैं डर डर के इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये है एक्सट्रीम मोड, ओके। एक्सट्रीम मोड है, एक्सट्रीम मोड में सिर्फ ग्रानी नहीं, ग्रानी के साथ ग्रैंडपा है। एंड देन उसके साथ क्रैकिंग फ्लोर्स इतने सारे हैं। एंड गाइस उसके बाद हम लोग को सिर्फ 15 seconds मिलते हैं। तो देखो ना मैं इसको मारूंगा, ये फिर दूसरा आएगा, फिर उससे पहले मतलब ग्रानी रिस्पॉन हो जाएगी, तो मतलब टाइम वेस्ट वाला ही सीन है एक्सट्रीम मोड में। बट गाइस जो प्रो प्लेयर्स है वो नेक्स्ट लेवल ही खेलते हैं, आई स्वेयर। एंड ग्रैंडपा नाच रहे ग्रैनीज हाउ सैड वोनस्टे, ओके देयर यू आर, ओके आई एम हियर मैन, वेयर यू वांट टू गो, ओके। सो गाइस ये डोर हैंडल भी अपना लग चुका है फाइनली, ऑलमोस्ट अपना 90% काम जो है वो डन हो चुका है। गाइस 10% मतलब मैं क्यों, ये देखो मैं ग्रैंडपा के आंख पे चढ़ बढ़ के आ गया यहाँ पे। एंड गाइस अभी अपना मतलब 10% काम मतलब रिमेनिंग क्यों है, क्योंकि अपने को अभी हैंडविल लगा के घुमाना है। सो हम लोग अभी वो कर लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद ये देखो सिर्फ। एंड गाइस अभी ग्रानी जो है वो यहाँ पे आती होगी 100% कंफर्म। यार ग्रानी हेलो ग्रानी, ये आ गई ग्रानी यहाँ पे। एंड गाइस इवेंट कर दिया ग्रानी को स्टन। एंड ग्रानी इज नाउ गॉन फॉर अबाउट 15 seconds। गाइस मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमज़ोर है तो चला लेना। आई ऑल्सो सी यू यार, बट अभी मेरे को तुमको देखना नहीं, तुम लोग में से किसी को भी मेरे को देखने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को चलना है ये हैंडविल लेके नीचे। सो गाइस एक काम करता हूँ, ये हैंडविल नीचे लेके जाके पहले लगा देते हम लोग, ताकि हम लोग अभी यहाँ से निकल जाए। बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ रहा है। एंड आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाइस ग्रानी जो है वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। ये इतना घटिया सा बेड दिया था हम लोग को, गाइस ये बेड भी नहीं है, ये क्या है ये मेरे को, मतलब गाइस जेल में मतलब जो कैदियों को दिया जाता है ना वो सोने के लिए, ये वैसे लगता है मेरे को यार। एंड अभी नहीं है ग्रानी एंड ग्रैंडपा मेरे पीछे, सो अभी हैंडल जो है ये मैंने घुमा दिया। एंड ये डोर मैं पहले बंद कर लेता हूँ। एंड गाइस ये भी मैं बंद कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी किसी भी टाइप का। एंड गाइस मेरे को वो लोग के फुटस्टेप जो है वो सुनाई दे रहे हैं, आई थिंक, हाँ छोड़ो जाने दो उनके फुटस्टेप्स, आई थिंक वो लोग ऊपर ही होंगे। सो यहाँ पे मैंने शोर कर दिया तो ग्रैनी एंड ग्रैंडपा, सो फाइनली गाइस ग्रैनी एंड ग्रैंडपा यहाँ पे आ गए। एंड गाइस वी आर नाउ रेडी टू एस्केप फ्रॉम द Chapter 2 हाउस। एंड गाइस ये फाइनली हम लोग ने ग्रैनी Chapter 2 के हाउस से एक्सट्रीम नाइटमेयर मोड में डोर स्किप कर लिया है वर्जन 1.2 का। सो आई होप ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो गाइज मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।